ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र पाठक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आज आपके बीच साहित्य का इतिहास दर्शन पत्र के अंतर्गत इतिहास और आलोचना विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप यह समझ सकेंगे कि आलोचना क्या है। साहित्य और इतिहास के संबंध से भी आप परिचित हो सकेंगे। इतिहास और आलोचना के बीच भेद और अंतः संबंध को भी आप समझ पाएंगे और आलोचना के संदर्भ में इतिहास की सार्थकता से भी परिचित हो पाएंगे। इतिहास और आलोचना के संबंध पर विभिन्न विचारधाराओं के बीच गहरे मतभेद रहे हैं। एक ओर रूपवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जैसी विचारधाराएं आलोचना में इतिहास की कोई भूमिका नहीं मानती, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक वर्ग बिना इतिहास दृष्टि के आलोचना को अपूर्ण समझता है। ऐसी स्थिति में इतिहास और आलोचना के संबंध पर क्या विवाद रहे हैं, इन्हें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर साहित्य का इतिहास दर्शन पाठ्यक्रम में इतिहास और आलोचना को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम विचार करें कि आलोचना क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि किसी भी रचना के गुण दोष का निर्णय करना ही आलोचना है। किसी भी रचना के गुण दोष का उद्घाटन और उसके सौंदर्य का प्रकाशन निस्संदेह आलोचना का अंग है, लेकिन आलोचना की सीमा यहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है, किसी रचना को साहित्य मानेंगे या नहीं, आलोचना इन प्रश्नों की खोज भी करती है। सच्ची आलोचना साहित्य के प्रयोजन को पाठकों के सामने स्पष्ट करती है। साहित्य से लगाव के तत्वों की खोज आलोचना का मुख्य विषय होता है। आलोचना में साहित्यिक कला के बौद्धिक विवेचन द्वारा उसके सौंदर्यानुभव और सौंदर्यात्मक मूल्य को प्रकट किया जाता है। आलोचक की आलोचना दृष्टि की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आलोचना साहित्य सिद्धांत का निर्माण भी करती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी रचना में साहित्यिकता की खोज ही आलोचना का मूल उद्देश्य है। साहित्यिकता के आधार पर ही किसी कृति के महत्व को स्थापित किया जा सकता है। सुंदर और उदात्त या सामान्य और विशिष्ट का निर्धारण भी आलोचना ही करती है। इसके लिए आलोचना का रचना से जुड़ाव जरूरी है। रचना से जुड़ाव ही आलोचना को सही व्याख्या और विश्लेषण तक ले आता है। आलोचना सिर्फ साहित्य के प्रयोजन को ही स्पष्ट नहीं करती, बल्कि पाठक की रुचि में भी परिष्कार करती है और रचना तथा रचनाकार को सही दिशा प्रदान करती है। आलोचना एक साथ आलोचक, रचनाकार और पाठक के भीतर नीर छीर विवेक का परिमार्जन करती है। आलोचना पर इस बात के बाद हम साहित्य और इतिहास के संबंध पर भी विचार करेंगे। इतिहास और आलोचना के अंतर संबंध पर विचार करने की प्रक्रिया में और उससे भी पहले साहित्य के इतिहास संबंध पर विचार करना जरूरी है। साहित्य में इतिहास की आवश्यकता के महत्व को समझे बिना आलोचना और इतिहास के जटिल संबंधों को नहीं समझा जा सकता। इसका कारण है कि जो वर्ग यह मानता है कि साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता नहीं, वही वर्ग इतिहास को आलोचना से दूर रखने का पैरोकार है। W.P. Kerr का तर्क है कि हमें साहित्य के इतिहास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती हैं, शाश्वत होती हैं और सही मायने में उनका कोई इतिहास होता ही नहीं। यह सत्य है कि साहित्य में जो विगत है वह वर्तमान भी
यह भी एक तथ्य है कि राजनीतिक, सामाजिक इतिहास और कला के इतिहास में अंतर होता है। साहित्य का विकास जैव विकास से भिन्न होता है, लेकिन साहित्य की शाश्वतता के आधार पर साहित्य के इतिहास की उपेक्षा नहीं किया सकती। साहित्य की महत्ता, प्रासंगिकता अपने कालक्रम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, रामचरितमानस का जो अर्थ तुलसीदास के समय में था, जरूरी नहीं कि उसका अर्थ आज भी उसी तरह समझा जा रहा हो। कालजयी कृति की अर्थवत्ता भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में ही बनी रहती है। कोई भी रचना शाश्वत तो होती ही है, साथ ही ऐतिहासिक भी होती है। वास्तव में साहित्य की शाश्वतता ऐतिहासिक प्रक्रिया में साहित्य के निरंतर और गतिशीलता को द्योतित करती है। साहित्य का इतिहास इस तथ्य को स्थापित करता है कि साहित्य राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास का निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है। निसंदेह साहित्य सामाजिक अंतर क्रिया का ही एक उत्पाद है, लेकिन अपनी उत्पत्ति के बाद साहित्य स्वयं सामाजिक परिवर्तन का एक वाहक बन जाता है। साहित्य का इतिहास साहित्य और समाज के इसी जटिल संबंध को रेखांकित करता है। अतः किसी भी साहित्य की संपूर्ण विशेषता को बिना साहित्य के इतिहास के समझना असंभव है। साहित्य के इतिहास और आलोचना से संबंधों के क्रम में एक मशहूर विवाद जो F.W. बेटसन और F.R. लेविस के बीच चला, उसकी चर्चा करना यहाँ मुनासिब होगा। उन दोनों के बीच इतिहास और आलोचना के रिश्ते को लेकर एक गंभीर बहस हुई थी। F.W. बेटसन ने 1934 में इंग्लिश पोइट्री एंड द इंग्लिश लैंग्वेज नाम से किताब लिखी। F.R. लेविस ने अपनी पत्रिका स्क्रूटनी में इस किताब की कठोर आलोचना की। इसका प्रत्युत्तर बेटसन ने दिया। इस बहस में उस दौर के अन्य आलोचक और विचारक भी सहयोगी बने। रेने वेलेक ने इस बहस को अपने ढंग से समझा। उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए, क के बाद ख आता है, अतः क का अपना ऐतिहासिक महत्व है। ख क से श्रेष्ठ ध्वनि है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा और प्रेमाश्रम भी लिखा। प्रेमाश्रम पहले लिखा, इसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है। फिर बेटसन ने कहा कि आलोचक कृति को स्वतः पूर्ण वस्तु के रूप में देखता है, जबकि उसका अन्य सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से गहरा संबंध होता है। कृति सिर्फ पाठ ही नहीं होता, पाठ का निर्माण संदर्भ में होता है। संदर्भ कृति से बाहर होते हैं और वह संदर्भ वस्तुगत रूप में मौजूद रहते हैं। उनको समझे बिना हम पाठ को नहीं समझ सकते। इसलिए आस्वाद और मूल्य निर्णय के लिए ज्ञान की, विद्वता की, पांडित्य की आवश्यकता पड़ती है। F.R. लेविस ने प्रश्न उठाया कि क्या हम उस सामाजिक संदर्भ के बिना भी कृति को समझ सकते हैं जिसमें उस कृति का जन्म हुआ है या नहीं। लेविस का मत है कि तथाकथित इतिहास भी आलोचना के भीतर ही आता है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है। लेविस का तर्क है कि साहित्य का मूल्यांकन, भले ही वो प्राचीन साहित्य का हो, हम समकालीन जीवित और प्रासंगिक मूल्यों तथा आधुनिक युग की संवेदनाओं के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसलिए प्राचीन साहित्य भी हमारे लिए समकालीन साहित्य ही है। फिर लेविस के अनुसार इतिहास भी उतना वस्तुगत नहीं होता, उसमें भी आत्मगत तत्व होते हैं, इसलिए आलोचना अपने आप में पर्याप्त है। बेटसन और F.R. लेविस के इस विवाद के बाद इतिहास और आलोचना के बीच जो भेद हैं और संबंध हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। इतिहास और आलोचना के संबंध को लेकर मुख्यतः दो तरह के विचार हैं। एक विचार यह है कि आलोचना और इतिहास के बीच अंतर को मानते हुए भी इसे एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। दूसरा विचार, जो रूपवादियों का है, वे आलोचना में इतिहास को अनावश्यक मानते हैं। रूपवादी आलोचकों के अनुसार आलोचना का मुख्य उद्देश्य किसी भी कृति के सौंदर्यानुभूति को प्रकट करना होता है, और इस सौंदर्यानुभूति का संबंध रूप से होता है। इसलिए साहित्य रूपों, विधाओं, तकनीकों और शैलियों का ही इतिहास हो सकता है। उनका मानना है कि इतिहास
विश्लेषणात्मक और आलोचना संश्लेषणात्मक होती है। इस कारण किसी रचना के आस्वादन में इतिहास की कोई भूमिका नहीं होती है। रूपवाद, संरचनावाद, आधुनिकतावाद आदि विचारधाराओं से प्रभावित नई समीक्षा से जुड़े आलोचकों ने आलोचना में इतिहास की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाया। इनकी आलोचना दृष्टि सौंदर्य परक आलोचना दृष्टि है। भाषा की नवीनता और विस्मय रूपवादी दृष्टिकोण के आधार हैं। रूसी रूपवादी विक्टर स्क्लोवस्की के अनुसार कविता भाषा को नया बनाती है, इसमें विलक्षणता लाती है। बोशांकी ने काव्य सौंदर्य को इजी ब्यूटी और डिफिकल्ट ब्यूटी में विभाजित किया है। इजी ब्यूटी से बोशांकी का तात्पर्य सामान्य सौंदर्य से है। डिफिकल्ट ब्यूटी को बोशांकी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बोशांकी के अनुसार डिफिकल्ट ब्यूटी में जटिलता, तनाव और विस्तार होता है जो काव्य को विशिष्ट और उदात्त बनाता है। आप देखें कि बोशांकी की ये जो इजी ब्यूटी या डिफिकल्ट ब्यूटी की बात है वह विक्टर स्क्लोवस्की के डिफेमिलियराइजेशन से कितना मेल खाती है। यह सही है कि एक मूल्य प्रणाली के रूप में कलाकृति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु सिर्फ भाषिक सौंदर्य को उद्घाटन का उद्घाटन आलोचना का लक्ष्य नहीं है और न ही इससे किसी कृति की महानता स्थापित होती है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचार इस प्रकार हैं जिन्हें हमें इस चर्चा के केंद्र में रखना चाहिए। टीएस एलियट ने माना है कि हमें साहित्य की साहित्यिकता को सौंदर्य के मानदंड पर और उसकी महानता को बाह्य मानदंड से परखना चाहिए। एली रीड ने माना है कि महानता किसी कलाकृति में वस्तु पक्ष से आती है। आस्टिक वारेन और रेने वेलेक ने यह माना है कि किसी साहित्यिक कलाकृति की सामग्री एक स्तर पर तो शब्द होते हैं और दूसरे स्तर पर मानवीय आचरण और अनुभव तथा तीसरे स्तर पर मानवीय विचार और भावनाएं। इन महत्वपूर्ण विद्वानों के उद्धरणों से स्पष्ट है कि साहित्य में भाषा के महत्व को सभी मान रहे हैं, लेकिन काव्य सिर्फ भाषा ही नहीं होता है, मानवीय आचरण, अनुभव, विचार और भावना भी साहित्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की भाषा। रचना के आस्वादन में रचना में अभिव्यक्त मानवीय विचार, भावना और अनुभव का उतना ही योगदान है जितना योगदान भाषा का है। यहीं से इतिहास और आलोचना के संबंध शुरू होते हैं और आलोचना में इतिहास की आवश्यकता स्थापित होती है। साहित्यिकता या रचना की सार्थकता सिर्फ कला पक्ष से सिद्ध नहीं होती है। साहित्य की महानता उसकी विषय वस्तु से निर्धारित होती है। रचना की महत्ता इतिहास में उसके स्थान और समाज पर उसके प्रभाव से तय होती है। अतः रचना के मूल्यांकन में विषय वस्तु की भूमिका प्रमुख हो जाती है। रचना की विषय वस्तु पर विचार करते समय आलोचक को संबंधित विषय वस्तु के ऐतिहासिक और तात्कालिक दोनों प्रकार के महत्व का उद्घाटन करना होता है। इसी कारण आलोचना को सभ्यता समीक्षा भी कहा जाता है। कालजीवी रचना ही कालजयी हो सकती है, क्योंकि रचना की समकालीनता उसके ऐतिहासिक प्रक्रिया से ही सिद्ध हो सकती है। हरिशंकर परसाई का वक्तव्य इस संदर्भ में विचारणीय है कि बिना कालजयी होना संभव नहीं है, और उन्होंने लिखा है कि जो अपने समय के प्रति ईमानदार नहीं होगा उसे शाश्वत के प्रति ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कालजीवी रचना ही कालजयी हो सकती है, क्योंकि रचना की समकालीनता उसके ऐतिहासिक प्रक्रिया से ही सिद्ध हो सकती है। साहित्य के इतिहास से ही रचना की प्रासंगिकता की खोज हो सकती है। इतिहास के माध्यम से ही हम विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का निरूपण कर सकते हैं। हालांकि यह निरूपण आलोचनात्मक मानदंड द्वारा ही तय होगा, लेकिन इतिहास के इन मानदंडों के निर्धारण में भी
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास और आलोचना साहित्यिक अनुशासन के भिन्न क्षेत्र हैं, अतः अध्ययन और विषय के दृष्टिकोण से दोनों में व्यवहारगत भेद है। ये भेद दोनों की भिन्न विशेषता के कारण है। F.W. बेटसन के अनुसार इतिहास का संबंध ऐसे तथ्यों से है जिनकी जांच की जा सकती है। सिद्धांत और आलोचना का संबंध मत या राय और विश्वास से है, अर्थात इतिहास वस्तुपरक होता है और आलोचना आत्मपरक। लेकिन कोई इतिहास लेखन न विशुद्ध रूप से वस्तुपरक होता है, न ही कोई आलोचना पूरी तरह आत्मपरक। इतिहास लेखन में तथ्यों के वर्णन या विवेचन में इतिहासकार की दृष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ इतिहासकार आलोचक की भूमिका में होता है। इसी तरह किसी साहित्यिक कृति की आलोचना में उस कृति की ऐतिहासिक भूमिका को दरकिनार नहीं किया सकता। एक ही ऐतिहासिक तथ्य पर अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया जा सकता है। इसी प्रकार एक ही साहित्यिक कृति की अलग अलग आलोचना हो सकती है। दोनों जगह पर आत्मपरकता विद्यमान है, लेकिन इतिहास लेखन में तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि इतिहास में वस्तुपरकता महत्वपूर्ण होती है और आलोचना में आत्मपरकता। इतिहास लेखन में शोध या अनुसंधान आवश्यक है, आलोचना के लिए आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें तथ्य शोध और अनुसंधान पर भी ध्यान दिया गया है। इस किताब में काल विभाजन और नामकरण में तो साहित्यिक कृतियों का ही उपयोग हुआ है। रचनाओं और कवियों का मूल्यांकन भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंग के रूप में हुआ है। दूसरी तरफ आचार्य शुक्ल चिंतामणि के निबंधों में शायद ही कहीं ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग करते हैं। दोनों पुस्तकों में आलोचना विद्यमान है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी वस्तुपरकता के कारण मूलतः इतिहास है और आत्मपरकता के कारण चिंतामणि आलोचना। दोनों पुस्तकों में यह अनुशासन के दृष्टिकोण का भेद है, परंतु यह नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आलोचना दृष्ट नहीं है और चिंतामणि में इतिहास बोध का अभाव है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल की रचनाएं इतिहास और आलोचना के द्वंद्वात्मक संबंध के सटीक उदाहरण हैं। उनका इतिहास बोध उनकी आलोचना दृष्टि से और उनकी आलोचना दृष्टि उनके इतिहास बोध से निर्मित होती है। शुक्ल जी की रचनाएं आलोचना दृष्टि और इतिहास बोध के बीच जीवंत साहित्य बोध का निर्माण करती हैं। इसी तरह हम अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों और उनके इतिहास लेखन को देखें तो उनके बारे में भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जिस निष्कर्ष पर हम आचार्य शुक्ल की रचना और इतिहास पर बात करते हुए पहुँचे थे। साहित्यिक इतिहास का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि लेखक ने किस आशय से किसी कृति की रचना की थी, जबकि आलोचना में अर्थ निर्णय, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन जैसे सूक्ष्म तत्वों की प्रधानता होती है, परंतु केवल कला चेतना से ही आलोचक का कर्म पूरा नहीं हो जाता। वास्तव में किसी भी कला चेतना के निर्माण में ऐतिहासिक चेतना की भी भूमिका होती है। किसी भी कृति का मूल्यांकन बिना इतिहास बोध के अपूर्ण है।